होर कोई भी काम कर जे सस्पेंशन ध्यान दवाऊ नोटिस किसी प्राइवेट मैंबर द्वारा पेश किए जाने वाला कोई होर काम कर भी शामिल है इस समागम के दौरान सदन के सामने ना लिया जाए जा सदन विच ना किया जाए अते पंजाब विधानसभा की कार्यविधि कार्य संचालन निजमामली विच इस विषय नाल संबंधित निजम की हद तक मुअत्तल किए गए समझे जान प्रस्ताव पेश किया प्रस्ताव आ लैंदे जी तुसीं बोल लिओ नहीं प्रस्ताव तो पेश कर लैंदे जी प्रस्ताव पेश किया गया कि यह सदन मानयोग लीडर ऑफ अपोजिशन साहब प्रस्ताव आ जाते उस तो बाद तुसीं अपनी गल रख सकते हो जी हाँ प्रस्ताव पेश किया गया कि यह सदन संकल्प करता है कि 16वीं पंजाब विधानसभा के चौथे समागम की विशेष बैठक दौरान केवल उही कामकार किया जाए जिस मंतव लई यह समागम बुलाया गया है अते होर कोई भी कामकार जिस विच प्रश्न ध्यान दवाऊ नोटिस किसी प्राइवेट मैंबर द्वारा पेश किया जाने वाला कोई होर कामकार भी शामिल है इस समागम के दौरान सदन के सामने ना लिया जाए जा सदन विच ना किया जाए अते पंजाब विधानसभा की कार्यविधि कार्य संचालन नियमावली विच इस विषय नाल संबंधित नियम उस हद तक मुअत्तल किए गए समझे जाण बहस जी हुण बोलो मैं तुहानूं ये गुजारिश करना चाहना काइंडली दस्या जाए कि विधानसभा का मकसद की है ये निरा एक डिबेटिंग उस बना लिया जी तुसी जदों बुलांदे हो स्पैशल सैशन बुला लैंदे हो अज तो 9 महीने पहले तुसी एक स्पैशल सैशन बुलाया ऑपरेशन लोटस के नाम से 3.5 घंटे उसदे ते बहस कराई चीफ मिनिस्टर साहब 2 बार बोले 17 मैंबर्स बोले एक FIR दर्ज की गई 9-10 तुहाडे इन्हां दे MLAs ने जाके विजिलेंस ऑफिस दे विच कंप्लेंट पाई भाजपा के खिलाफ उन्हां दे लीडर्स के खिलाफ काइंडली उहदी एक्शन टेकन रिपोर्ट ते दो देखो जी भी मैनू नहीं देखो तुहाडी गल आ गई नहीं आ गई नहीं अजे दी आ भाई साहब तुहाडी गल आ गई अजे आई नहीं जेडी नहीं जिन्ना मैनू पता है हां जी जिस चीज दी FIR होगी उहदी इन्वेस्टिगेशन होएगी कोर्ट उहनू डिसाइड करेगा कोर्ट दे एक्शन टेकन रिपोर्ट इत्थे नहीं आएगी उहदी तुसीं सानू कोई दस्सो कि कोर्ट विच ते गई नहीं जी कोर्ट दे विच उहदा स्टेटस की है उहदा स्टेटस दस्सो किहड़े बीजेपी दे लीडर ने किहड़े इन्हां दे MLA नू किन्ने पैसे गए उहदा कृपा करके दस्सो FIR है इन्वेस्टिगेशन हो रही है सिंह चीमा लीडर ऑपोजिशन बोल ले जी तुहाडी गल आ गई जी जी होर कोई मानयोग मैंबर इस ते कोई बोलना चाहुंदा होगी जी तुहाडी गल तुहाडी गल होगी जी यही तो मानयोग मैंबर साहब यही तो मता लिया गया है हाउस की सेंस नू मैं लेना है जिस तरह हाउस पास करेगा उस तरह चलेगा प्रश्न है कि यह सदन संकल्प करता है कि 16वीं पंजाब विधानसभा के चौथे समागम की विशेष बैठक दौरान केवल उही कामकार किया जाए जिस मंतव लई यह समागम बुलाया गया है अते होर कोई भी कामकार जिस विच प्रश्न ध्यान दवाऊ नोटिस किसी प्राइवेट मैंबर द्वारा पेश किए जाण वाला कोई होर कामकार भी शामिल है इस समागम के दौरान सदन के सामने ना लिया जाए या सदन विच ना किया जाए अते पंजाब विधानसभा की कार्यविधि कार्य संचालन नियमावली विच इस विषय नाल संबंधित नियम उस हद तक मुअत्तल किए समझे जाण जिहड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव दे रखदा हां जिवें कि वख-वख निजमां अधीन लोड़िंदा है अगली आइटम सरकारी मता सरदार गुरमीत सिंह खुडियां खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री प्रस्ताव पेश करन मानयोग स्पीकर साहब मैं आप जी का बहुत धन्यवादी हाँ कि तुसी एक अहम मुद्दे ते मैनू मथा रखण का मौका दिता है।
अज जेड़ा मता है ए प्रस्ताव जेड़ा है साड़ा आरडीएफ काफी लंबे समय तो भारत की सरकार रोकी बैठी है जेड़ा 1987 विच बनिया कानून सी जी दे राही 1900 भारत सरकार वालों पिछले चार सीजन नोटिफिकेशन नू मिति 18/7/1822 नू सरकारी गजट विच प्रकाशित करन दे बावजूद भी भारत सरकार ने पंजाब विचों पिछले चार सीजन दौरान खरीदियां गई खेती उपजा ते 3% की दर नाल बनती 3640 करोड़ रुपए की अजे तक रोकी गई देहाती विकास फीस की रकम जारी नहीं की गई। पंजाब राज दे भारत के किसी भी होर राज दे मुकाबले बहुत वड्डा मार्केट बुनियादी ढांचा तैयार किया होया है। इस तरह एकत्र की गई देहाती विकास फीस की वरतों सिर्फ राज दे किसानों की भलाई पेंडू मंडियां पेंडू लिंक सड़कां दे रख रखाव ते निर्माण समेत पेंडू बुनियादी ढांचे दे विकास लई कीती जांदी है तां जो खेती उपजा नज़दीकी मंडियां तक आसानी नाल पहुँचाईयां जा सकन। इस तरह भारत सरकार वल्लों पेंडू विकास फीस जारी ना कीते जाण कारण पंजाब राज दे समुचे देहाती विकास कार्ज ठप हो रहे हन। इस सदन राज सरकार नूं सिफारिश करदा है कि वह केंद्र सरकार वल्लों रोकी गई 3640 करोड़ की देहाती विकास फीस नूं तुरंत जारी करवाउण लई केंद्र सरकार कोल पहुँच करे ता जो पंजाब राज दे किसानां अते पेंडू आबादी की भलाई लई निर्विघन विकास कार्जां नूं जारी रख्या जा सके। जी मंत्री जी बैठो तुसीं अपने मीठेर जी।